हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर, जो कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य विस्तार काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म संख्या एक पर छोटे छोटे टिन सेट हर जगह पर बना दिए गए हैं नए। इसके साथ ही नया फुट ओवर ब्रिज काफ़ी तेज़ी से बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 5 तक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 का अपडेट दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आज का काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। हमारा एक नया फेसबुक पेज है, आप लोग चैनल पर विजिट करके वहां पर भी हमको फॉलो करिए, वहां पर भी हम आपको नए नए अपडेट देते रहते हैं। तो लेट ना करते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के पास, और वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के मुख्य भवन के पास एक प्यारा सा यहाँ पर इंजन लगाया गया है शोपीस में। काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ का, और जस्ट इसके सामने यहाँ पर पार्किंग एरिया है। यहाँ पर बस वस खड़ी है, आपको आसानी से हर जगह के लिए बसें मिल जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है जो बेहद ही खूबसूरत लगता है देखने में। मुख्य भवन के सामने एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है जिससे ट्रेनों की सूचनाएं आसानी से मिल सके। और ये रहा मुख्य भवन, मुख्य भवन पर भी कुछ कार्य हो रहे हैं, आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं क्या कार्य हो रहा है। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आज का काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो ये रहा सामने गेट नंबर 1, और जस्ट वहाँ पर गेट नंबर 2 बनाया गया है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं टिकट काउंटर, ये रहा अनारक्षित टिकट काउंटर, एक टिकट घर है। और ये रहा मुख्य भवन, मुख्य भवन काफ़ी प्यारा बनाया गया है। और अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर क्या क्या कार्य हो रहे हैं आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। किनारे किनारे यहाँ पर रेलिंगें लगाई गई हैं, इसके साथ ही यहाँ पर एक SBI ATM भी है, अगर पैसे वैसे निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं, जब ये रात में जलती हैं तो बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। फिलहाल अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और कितने कार्य हो रहे हैं आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आज का काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो ये रहा अंदर का व्यू, अंदर जो है काफ़ी सारी चित्र बनाई गई हैं घाट और ट्रिप से रिलेटिव। अभी हम अंदर आपको दिखाते हैं और कितना चित्र बनाया गया है। तो ये रहा सामने घाट रोड का चित्र बनाया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये रहा प्रवेश द्वार, और यहाँ पर एक पूछताछ काउंटर भी बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर एक वाराणसी सिटी का बोर्ड लगाया गया है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। और प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर नए टिन सीटों का निर्माण कार्य एवं विस्तार किया जा रहा है। यहाँ पर एक पिलर बनाया गया है, तो बहुत ही जल्द यहाँ पर भी शेड का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, और काफ़ी सारे यहाँ पर एंगल अभी रखे हुए हैं। फिलहाल अभी प्लेटफॉर्म संख्या 1 के बैक साइड में बाथरूम का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल नया टिन सीडों का निर्माण कार्य एवं विस्तार किया जा रहा है। ये नया टेस, और यहाँ पर नया करकटों की छवाई का कार्य किया गया है शेड पर। फिलहाल काफ़ी तेज़ी से प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर कार्य किए जा रहे हैं, और यहाँ पर भी नया बाथरूम बनाया जा रहा है। जब ये बन जाएगा तो हम आपको नेक्स्ट अपडेट में दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी सारे नए टिन सेटों का निर्माण कार्य प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर किया जा रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से करकटों की छवाई का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो पिलर बना हुआ था चौथरा, अभी पूरी तरीके से कम्प्लीट हुआ नहीं है, और यहाँ पर नए बाथरूम बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कई सारे एंगल रखे हुए हैं, तो बहुत ही जल्द आगे भी नए टिन सीटों का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ये जितने भी आपको शेड दिख रहा होगा ये सारे नए बनाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर नई दीवारों को बनाया गया है, ये जितनी भी आपको दीवारें दिख रही होंगी ये सारे नए बनाए गए हैं। और बाथरूम भी यहाँ पर बनाया गया है, शौचालय। तो कार्य काफ़ी तेज़ी से प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर किए जा रहे हैं, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आज का काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। काफ़ी सारे यहाँ पर नए नए दीवार तैयार कर दिए गए हैं, तो हर जगह पर कुछ न कुछ कार्य हो ही रहा है। यहाँ पर एक नया बूथ बनाया गया है जो कि अभी रनिंग में है, फिलहाल पानी अभी इसमें से आ रहा है। और मटेरियल हर जगह पर बिखरे पड़े हुए हैं, कार्य हर जगह पर चल रहा है जोर शोर से। यहाँ पर जो न्यू टिन सेट बना हुआ था इस पर करकटों की छवाई का कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है।
बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जा रहा है। वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन को काफ़ी तेजी से निर्माण कार्य में विस्तार किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म संख्या एक पर सेट की संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है और यात्रियों को भी काफ़ी सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। विशेषकर यहां पर धूप और बरसात से काफ़ी राहत मिल रही है यात्रियों को। तो यहां पर कोई नई बिल्डिंग बनाई जा रही है और ये रहा विश्रामालय एवं सामूहिक शयन कक्ष है, बिल्कुल नया बना हुआ है। और ये जो आपको FOB दिख रहा होगा, ये प्लेटफॉर्म संख्या 2 से 5 की ओर जाता है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है बोर्ड में। साफ सफाई का काफ़ी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या 1 की आगे की ओर बढ़ते हैं और कितने कार्य हो रहे हैं आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर यहाँ पर एक नया FOB बनाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर कुछ ढांचा तैयार किया गया है और इसको बैरिकेटिंग स्टील से घेरा गया है ताकि इसमें कोई भी यात्री प्रवेश न कर सके। तो इसको पूरी तरीके से घेरा गया है। फिलहाल इसमें अभी कोई भी यात्री प्रवेश नहीं कर सकता है। फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 4 पिलर बनाए गए हैं, इसके साथ ही ढांचा भी बनाया गया है। तो बहुत ही जल्द इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा, काफ़ी तेज़ी से इस पर कार्य किए जा रहे हैं। और यहाँ पर बूथ बनाया गया है नया, जो यहाँ पर ठंडा पेयजल का भी व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पर एक पार्सल कार्यालय बनाया गया है और यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। खाने पीने से रिलेटिव यहाँ पर जलपान कक्ष भी बनाया गया है, आप आसानी से खाने पीने से संबंधित सारी चीज़ें ले सकते हैं। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कितने कार्य हो रहे हैं आगे चल करके हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये जो आपको FOB दिख रहा होगा, ये भी प्लेटफॉर्म संख्या 2 से 5 ही ओर जाता है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर एल्युमिनियम कोटेड यहाँ पर फॉल सीलिंग का कार्य किया गया है। और ये रहा सामने AC वाला वेटिंग हॉल। और ये जो भवन आपको दिख रहा होगा, ये स्टेशन मास्टर का है। फिलहाल अभी हम पुराने वाले सेट के पास चलते हैं और कितने कार्य हो रहे हैं आगे चल करके हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर सार्वजनिक शौचालय भी बनाया गया है, जो कि पे एंड यूज है। और अभी हम आगे और बढ़ते हैं और कितने कार्य आगे हो रहे हैं आगे चल करके हम आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर भी कुछ मटेरियल बिखरे पड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ कार्य हो रहे हैं आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। बाकी बैठने के लिए हर जगह पर सीट लगाया गया है और यहाँ पर जो भी पुराने शेड हैं पूरी तरीके से बनकर कम्प्लीट हैं। और कितने कार्य हो रहे हैं आगे चल करके हम आपको दिखाने वाले हैं। और बूथ भी यहाँ पर बनाया गया है हर जगह पर। तो अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पूरे लास्ट छोर पर आ चुके हैं, अब हम चलेंगे प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर। प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 का अपडेट दिखाते हैं, कितने कार्य प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 1 की बिल्कुल लास्ट छोर पर यहाँ पर एक चौथरा बनाया गया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी कुछ बनेगा, फिलहाल जब यहाँ पर बनेगा तो हम आपको नेक्स्ट अपडेट में दिखाएंगे। अब हम चलेंगे प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर। प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 ये रहा और जस्ट इसके बगल में प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 है। अभी हम प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 के आगे की ओर बढ़ते हैं, कितने कार्य प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर हो रहे हैं आगे चल करके हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारा एक नया फेसबुक पेज है, आप लोग चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर भी हमें सपोर्ट करिए, वहाँ पर भी हम आपको नए नए अपडेट देते रहते हैं। यहाँ पर भी शौचालय बनाया गया है और ये रहा शेड बनाया गया है यहाँ पर मीडियम साइज में। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर साबरमती एक्सप्रेस गोरखपुर एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी है और बैठने के लिए यहाँ पर एक शेड बनाया गया है काफ़ी यहाँ पर। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर बिल्कुल यहाँ पर नया शेड बनाया गया है। अभी हम आगे चलते हैं, आगे कितने कार्य हो रहे हैं आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक पानी के लिए यहाँ पर बूथ बनाया गया है, जो कि फिर रनिंग में नहीं दिख रहा है। फिलहाल यहाँ पर बैठने के लिए हर जगह पर सीटें लगाई गई हैं, आसानी से यात्री बैठ सकते हैं।
तो ये रहा सामने एक और शेड। शेड हर जगह पर बनाया गया है, जितना तक लंबाई बढ़ा हुआ है वहाँ तक शेड बनाया गया है, छोटा छोटा और मीडियम साइज में। ये वाला फुट ओवरब्रिज हमने आपको दिखाया था, जहाँ से हम बाहर से प्रवेश करते हैं वहाँ तक ये फुट ओवरब्रिज को बनाया गया है। बिल्कुल जहाँ से हम एंट्री लेते हैं वहाँ तक इसको बनाया गया है। ये जो सीढ़ी आपको दिख रही है प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 तक जाएगी, और ये सीढ़ी प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 तक जाएगी, और आगे जो है प्लेटफार्म संख्या 1 के लिए भी सीढ़ी बनाया गया है। आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं आगे तक इसको बनाया गया है। फिलहाल अभी हम प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे जो है एक बैरिकेटिंग स्टील से उसको घेरा गया है प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 पर। वहाँ पर अभी हम चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं क्या बन रहा है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। नॉर्मल पानी और ठंडा पेयजल का व्यवस्था हर जगह पर किया गया है। तो बैरिकेटिंग स्टील से इसको घेरा गया है। यही वो फुट ओवरब्रिज है जो प्लेटफार्म संख्या 1 से 5 तक बनाया जा रहा है, तो देख सकते हैं अभी। और इसके लिए यहाँ पर भी बैरिकेटिंग स्टील से प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 को भी घेरा गया है। यहाँ पर भी ढांचा उचा तैयार किया गया है, तो यहाँ पर भी 4 पिलर बनाए जा रहे हैं। और ये रहा इसका व्यू, तो इस पर काफ़ी तेज़ी से वर्क किए जा रहे हैं। प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 पर भी घेरा गया है, वहाँ पर भी कई सारे पिलर बनाए जा रहे हैं। आगे चल करके हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। फिलहाल अभी दिख तो नहीं रहा है, कार्य इस पर हो रहा है फुट ओवरब्रिज पर। फिलहाल अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी सारे फुट ओवरब्रिज बनाए गए हैं, जिससे आसानी से यात्रियों को प्लेटफार्म संख्या 1 से लेकर 5 तक आसानी से जा सकते हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं एक और फुट ओवरब्रिज बनाया गया है, जो कि प्लेटफार्म संख्या 1 से 5 तक बनाया गया है। तो प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 पर यहाँ पर एक नया लिफ्ट बनाया जा रहा है। फिलहाल देखने से ऐसा लगता है कि कार्य लगभग कम्प्लीट हो चुका है। और जस्ट इसके बगल में प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 पर भी नया लिफ्ट बनाया जा रहा है। ये भी पूरी तरीके से देखने से लगता है कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है बनकर। फिलहाल अभी किनारे किनारे इसके बांस बलियां लगी हुई हैं। इधर के साइड में प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 पर कुछ खास कार्य हो नहीं रहे हैं। अब हम चलेंगे प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 पर। प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 का अपडेट दिखाते हैं क्या कार्य हो रहे हैं प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 पर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 पर। प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 का अपडेट हम आगे चल करके आपको दिखाते हैं। काफ़ी तेज़ी से प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 पर नए फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य करने के लिए पिलर तैयार किए जा रहे हैं। आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। प्लेटफार्म संख्या 5 पर एक ट्रेन खड़ी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका नाम। बाकी हम आपको कुछ दिखा देते हैं जिससे आपको सजेशन मिल सके। और प्लेटफार्म संख्या 5 पर नए लिफ्ट का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से किया गया है। अभी हम आपको नज़दीक से उसका व्यू दिखाते हैं। प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 का ये नया लिफ्ट देख सकते हैं, अभी बांस बल्लियाँ इस पर लगी हुई हैं और कई सारे यहाँ पर बांस बल्लियों को भी निकाला गया है, ये सारी पड़ी हुई हैं। और प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 पर भी नया लिफ्ट बन चुका है। प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 पर भी घेरा गया है। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से पिलर का निर्माण कार्य किया जा रहा है नए फुट ओवरब्रिज के लिए। फिलहाल इस पर अभी पिलर बनाने का कार्य चल रहा है।
तो फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की समाप्ति यहीं से करने वाले हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।